पहले प्रधानमंत्री जो सीधे महीने में लगातार जुड़ करके देशवासियों के साथ मन की बात करते हैं, कभी वो किसानों के साथ चर्चा करते हैं, कभी वो नौजवानों के साथ चर्चा करते हैं, कभी वो व्यापारी भाइयों के साथ चर्चा करते हैं, कभी वो बहनों के साथ चर्चा करते हैं, समाज के हर तबके के साथ जुड़ करके मोदी जी चर्चा करते हैं, तमाम चीज़ें सीधे कनेक्ट करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज उनके द्वारा चलाई गई जितनी सारी योजनाएं हैं वो सरकार के साथ समाज ने हाथों हाथ लिया है। मैं केवल इतना कहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4.5 साल में जिस प्रकार किसानों को अपने एजेंडे में शामिल किया है, और चाहे MSP का विषय हो, लगातार बड़े बड़े वादे लोग करते थे, बड़े बड़े भाषण लोग देते थे, लेकिन MSP के विषय पर आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उत्तर प्रदेश में भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे 38,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का 86 लाख किसानों के ऋणमोचन का कार्यक्रम हो, चाहे डार्क जोन में बिजली के कनेक्शन का मामला हो, चाहे सस्ती दरों पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे धान खरीद हो, चाहे गेहूं खरीद हो, चाहे गन्ना खरीद हो, रिकॉर्ड जब से सरकार में हम लोग आए हैं, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, 44,000 करोड़ रुपए का अकेले गन्ना किसानों का भुगतान हम कर चुके हैं, जो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा भुगतान है। लगातार मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, चूंकि मोदी जी ने कहा है 2022 तक किसान की आय 2 गुना करनी है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस योजना को पंख लगाए हैं और लगातार किसानों के हित में सरकार ने बड़े फैसले किए। लेकिन तमाम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर किसानों को अभी गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया, गन्ना जमीन में चला गया लेकिन उसका भुगतान नहीं हो पाया। अभी इस वर्ष का कुल गन्ना किसानों का भुगतान था 35,500 करोड़ रुपया, जो आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 35,500 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 15-16 में, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों से 18,000 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 35,500 करोड़ रुपये में से आज सुबह तक 33,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछले 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बहुत तेज़ी से ढर्रे पर किया है, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जहाँ निवेश करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हैं, और 60,000 करोड़ रुपए की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड ब्रेक सेरेमनी भी हो चुकी है। ये सरकार की कुशल नीतियों का ही परिणाम है कि आज इस प्रकार औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जहाँ भी कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, सड़क है या पार्क है, उनका यूज दूसरा है, लैंड यूज उनका दूसरा है, और निश्चित रूप से इस प्रकार की शिकायतें वहाँ से लगातार आ रही थी। और मैं इस बात को निश्चित रूप से कहता हूँ कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर हमारा सबको सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा है, पर केवल एक वर्ग नहीं, कोई भी यदि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की शिकायत लोगों के द्वारा की जा रही थी कि कंपनी के कर्मचारी वहाँ पार्क में सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ चला रहे थे, तो निश्चित रूप से प्रशासन की ये अच्छी पहल है। मैं केवल इतना कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जिस प्रकार देश में के बेहतर कामों में एक बेहतरीन भूमिका है, चाहे वो भूकंप के क्षेत्र हों, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हों, वनवासी क्षेत्र हों, शिक्षा का क्षेत्र हो, पूर्वांचल का सुदूर क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर के राज्य हों, और उसी का परिणाम है कि देश की नेशनल परेड में भी संघ के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। इस बात के लिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका संघ के स्वयंसेवकों की हमेशा राष्ट्र निर्माण में रही है, और इसलिए राष्ट्र निर्माण में जो संगठन काम कर रहा है वो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ, एक समाज हित में, राष्ट्र हित में, इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए काम करने वाला संगठन है।